बत्रा न्यूम्रोलॉलोजी से जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी कुंडली को कास्ट करेंगे यूजिंग एस्ट्रोसेज ऐप आप, आप होरोसॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एप्पल यूज़र हैं और आप एस्ट्रोसेज तो एनी टाइम यूज़ कर ही सकते हैं काफ़ी अच्छी ऐप है ओके उसके बाद मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ एस्ट्रोसेज टाइप करता हूँ मैंने प्ले स्टोर में एस्ट्रोसेज टाइप किया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे फोन के अंदर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे फोन के अंदर वो एस्ट्रोसेज ऐप है बट हो सकता है आपके फ़ोन में ना हो तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इस तरह से आपकी ऐप आप खुल जाएगी तब आपको कुंडली का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कुंडली का ऑप्शन तो मैं कुंडली के ऑप्शन पे जो है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे मान लीजिए कोई नेटिव है मोहित वैसे नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है बट स्टिल मैंने कन्वीनियंस के लिए नाम डाल लिया है ताकि बाद में मैं सर्च कर पाऊँ जिसका मैंने नाम डाला है ओके okay. इसके बाद लेट्स से कि ये व्यक्ति 10 मई को पैदा हुआ है दो बज के दो मिनट पर यहाँ पर मैं लोकेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे लोकेशन दिखाएगा मैं सर्च कर सकता हूँ तो मेरे मैंने यहाँ पे जैसे दिल्ली सर्च किया मान लीजिए नेटिव का बर्थ दिल्ली में हुआ है 10 मई 2021 को दो बज के दो मिनट पर दिन में और ये मेल है तो मैं गेट हॉरोस्कोप पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स भी आप देख लीजिए सेटिंग्स में अयामशा जो है वो एनसी लहरी मैंने चूज़ किया है आपको एन लहरी लिखना है ये स्टैंडर्ड अयामसा है उसके बाद मैं गेट हॉरस्कोप क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा कास्ट हो जाए लगना यहाँ पे दिख रहा है इसको लगना चार्ट भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको नेटल चार्ट भी बोला जाता है तो लगना चार्ट या नेटल चार्ट खुल गया है बहुत सारे चार्ट है लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगना चार्ट है ओके अब आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बारह हाउसेस होते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज काउंट किए जाते हैं मैं आपको अपनी स्क्रीन की मदद से दिखाने की कोशिश करूँगा ये देखिए ये वन ये टू ये थ्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये एट है टेन इलेवन और ट्वेल्व देखिए मैंने बारह हाउसेज जो है वहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं है ना ये यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर लिखे हुए थे वो पाँच से स्टार्ट हो रहे थे तो फर्स्ट हाउस जो होता है उसको लगना या असेंडेंट भी बोलते हैं तो आपको मान के चलना है कि ये फर्स्ट हाउस है और जो सेकंड हाउस है मैंने लाल पेन से दो लिख दिया है इस तरह से ये बारह के बारह हाउस फिक्स रहेंगे दुनिया में जितने भी लोग हैं सात बिलियन उन सब के लिए ये बारह हाउस फिक्स रहते हैं अंकित बत्रा के लिए आपके लिए सबके लिए बारह हाउस फिक्स हैं और जो ये राशियाँ हैं ये राशियाँ चेंज हो सकती हैं इन हाउसिस के अंदर और फर्स्ट हाउस को जो है असेंडेंट या लगना

आ, राशियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जस्ट गिव मी अ सेकेंड देखिए अब मैंने राशियों वाला चार्ट खोल लिया है तो फर्स्ट जो राशि है एरिस सेकंड राशि है टॉरस थर्ड राशि है जेमिनाई फोर्थ राशि है कैंसर फिफ्थ राशि है लियो सिक्स्थ राशि है वर्गो सेवन्थ राशि है लिब्रा एट्थ राशि है स्कॉर्पियो नाइन्थ राशि है सेजिटेरियस साइन भी राशि को बोलते हैं और टेंथ है जो कैप्रिकॉन इलेवेंथ है जो एक्वेरियस है और ट्वेल्थ है जो पाइसिस है ये बारह राशियाँ अब मैं दोबारा चार्ट पे मूव करूँगा ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाएँ अब आप देखिए मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ हाउसेस तो देखिए मैंने ये दोबारा हाउसेस ड्रॉ कर दिए हैं ये भी कभी भी आपको कुंडली में ड्रा किए हुए मिलेंगे नहीं आपको इमेजिन uh, करके चलना पड़ेगा एज्यूम करना करके चलना पड़ेगा कि वो फर्स्ट हाउस ही है है ना तो अब देखिए फर्स्ट हाउस में जो है वहाँ पे एल ए लिखा हुआ है यानी कि लगना है वो है ना तो फर्स्ट हाउस के अंदर मेरा जो है वो लियो का साइन है क्योंकि पाँच नंबर साइन मैंने आपको दिखाया था अपनी पी से कि वो लियो का होता है तो फर्स्ट हाउस लियो साइन जिसको लगना भी बोलते हैं फर्स्ट हाउस को वहाँ पे कोई भी प्लैनट प्लेस आउट नहीं है सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड हाउस में छः नंबर लिखा हुआ है यानी कि वो वर्गो है तो सेकंड हाउस वर्गो साइन थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड हाउस के अंदर सात नंबर लिखा हुआ है थर्ड हाउस लिब्रा साइन फोर्थ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ हाउस के अंदर जो है वो हमारा के ई -E लिखा हुआ है के ई स्टैंड फॉर केतु तो यानी कि फोर्थ हाउस केतु प्लानट वहाँ पे प्लेस्ड आउट है और एट नंबर यानी कि स्कॉर्पियो राशि वहाँ पे दी हुई है फिफ्थ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे नाइन नंबर है नाइन नंबर मतलब सेजिटेरियस हो गया तो फिफ्थ हाउस में सेजिटेरियस के साइन प्लेज आउट है सिक्सथ हाउस के अंदर मेरा एस लिखा हुआ है और पी लिखा हुआ है एस ए स्टैंड फॉर सैटन पी एल स्टैंड फॉर प्लूटो तो प्लूटो का जो है हम लोग नहीं लेके चलते हैं खास अपने उसमें लेकिन सैटन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा तो सैटन इज़ एस ए सेवन्थ हाउस की बात करें तो वहाँ पे एन ई और जे यू लिखा हुआ है एन ई स्टैंडस फॉर नेपच्यून और जे यू स्टैंडस फ़ॉर जुपिटर ओके और वहाँ पे एक्वेरियस का साइन है क्योंकि ग्यारह नंबर लिखा हुआ है ओके okay. एटथ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बारह नंबर है बारह नंबर स्टैंड्स फॉर पाइसिस सो एट्थ हाउस के अंदर मेरा बारह नंबर है एट्थ हाउस में पाइसिस साइन है नाइन्थ हाउस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है एक नंबर स्टैंड्स फॉर एरिस और वहाँ पे एम ओ लिखा हुआ है जो कि होता है मून एस यू लिखा हुआ है जो कि होता है सन यू आर जो कि होता है यूरेनस बट यूरेनस हमारे किसी काम का नहीं है तो हमारे लिए मून और सन जो है वो काम के हैं अब हम बढ़ते हैं टेंथ हाउस पे टेंथ हाउस में हमारा वी ई एम ई और आर ए लिखा हुआ है यानी कि वीनस मरकरी और राहू वी स्टैंड्स फॉर वीनस एम ई स्टैंड्स फॉर मरकरी आर ए स्टैंड फॉर राहू और वहां पर जो है दो नंबर लिखा हुआ है टेंथ हाउस के अंदर मतलब टॉरस तो यानी कि टेंथ हाउस टॉरस साइन जॉडियक साइन और तीन प्लानट्स वहाँ प्लेस्ड आउट है मरकरी वीनस और राहू इलेवंथ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर थर्ड नंबर का साइन है जो कि जैमिनाई है और वहाँ पर मास जो है वो प्लानट प्लेस्ड आउट है और बारह नंबर जो है जहाँ पे वो हाउस है जो कि सबके लिए बारह हाउस वही रहेगा वहाँ पे चार नंबर जो है लिखा हुआ है यानी कि कैंसर तो ये बंदा लियो असेंडेंट है क्योंकि पाँच नंबर से स्टार्ट हो रहा था ऐसी दुनिया में बारह असेंडेंट हो सकते हैं यानी कि अगर फर्स्ट हाउस के अंदर मेरा लिखा होता एक नंबर तो एरिस असेंडेंट होता अगर मेरा फर्स्ट हाउस में लिखा होता टू नंबर तो टॉरस असेंडेंट होता थ्री लिखा होता तो जैमिनाई असेंडेंट फोर होता फर्स्ट हाउस में तो कैंसर असेंडेंट फाइफ होता मेरा तो लियो सिक्सथ होता फर्स्ट हाउस के अंदर तो मेरा हो जाता वर्गो सेवन होता तो लिब्रा एट होता तो स्कॉर्पियो नाइन होता तो सेजिटेरियस टेन होता तो कैप्रिकॉन इलेवन होता तो एक्वेरियस ट्वेल्व होता तो पाइसिस इस तरह इस हिसाब से जो है वो मेरा बारह जो है वो असेंडेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट हाउस में क्या राशि लिखी हुई है तो ये बारह हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं और जोडियक साइंस डिफर करते रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है और पढ़ते कैसे हैं चार्ट को मैंने ये भी बता दिया है अब हम नेक्स्ट चीज़ पर मूव करने वाले हैं कि प्लानट्स कहाँ प्लैनेट्स को अगर हम और डिटेल में देखें तो कैसे देख सकते हैं वो देख रहे हैं बेसिक पे क्लिक करेंगे बेसिक पे यहाँ पे प्लानट्स लिखा हुआ है मैं प्लैनेट्स को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि अगर मैं सन को पकड़ूं तो सन जो है वो एरिस के अंदर प्लेस आउट है तो सन जो है वो एरिस के अंदर प्लेस आउट है है ना तो सन एरिस में है मतलब सन जहाँ पे भी एक नंबर लिखा हुआ था एक नंबर राशि लिखी हुई थी वहाँ पे सन प्लेस्ड आउट है और 25 डिग्री और छियालीस मिनट पे है यानी कि ये डिग्री पढ़ेंगे ट्वेंटी डिग्री और फोर्टी मिनट और जो नक्षत्रा है वो भरनी है और भरनी नक्षत्रा का फोर्थ पदा है नक्षत्रा हमारे किसी भी काम का नहीं होता है मैं आपको बता नक्षत्रा अभी हमारे किसी काम का नहीं है वैसे नक्षत्रा का बहुत यूजेज होता है लेकिन अभी बेसिक्स हम देख रहे हैं कुंडली को कास्ट करना तो उसके अंदर नक्षत्र काम को नहीं आएगा तो मेरा सन जो है वो एरिस के अंदर है 25 डिग्री 40 मिनट पे भरनी नक्षत्र के अंदर चौथे पदा के अंदर मून जो है वो भी एरिस के अंदर है 10 डिग्री 10 मिनट पे अश्विनी नक्षत्र के अंदर फोर्थ जो है वो पदा में है मास जो है वो जैमिनाई में है 16 डिग्री 6 मिनट पे मरकरी जो है वो टॉरस के अंदर है 16 डिग्री 00 मिनट पे जुपिटर जो है वो 5 डिग्री 29 मिनट पे है एक्वेरियस के अंदर ये जॉडियक साइंस है ये हाउस मत समझिएगा इनको ये जॉडियक साइंस है वीनस जो है वो टॉरस के अंदर है और सात डिग्री पच्चीस मिनट पर सैटन जो है वो कैप्रिकॉन के अंदर है उन्नीस डिग्री बारह मिनट पर राहू के आगे आर लिखा हुआ है यानी कि रेट्रो प्लानट उल्टा मूव करता है उसकी मूवमेंट उल्टी देखी जाती है बट अभी ये डिटेल में होगा अभी ये इसका कोई लेना देना नहीं है टॉरस जो है राहू टॉरस के है सत्रह डिग्री इक्यावन मिनट का केतु जो है वो भी रेट्रो है राहु और केतु हमेशा रेट्रो होते हैं और एक दूसरे से सेवन्थ में प्लेस्ड आउट होते हैं यानी कि इन दोनों की पोजीशन में सेवन हाउसेस का डिफरेंस मिलेगा आपको हमेशा तो केतु स्कॉर्पियो में है सत्रह डिग्री इक्यावन मिनट का यूरेनस जिसका कोई खास लेना देना नहीं है रीडिंग करने के लिए यूरेनस नैपचून और प्लूटो को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं तो मैं आपको दोबारा अपने लगन चार्ट पर ले जाकर एक बार सन एरिस में दिखाता हूँ देखिए लगन चार्ट में मैं दोबारा गया और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सन जो है वो एक नंबर पर लिखा हुआ है नाइन्थ हाउस के अंदर आप अगर देखेंगे ये नाइन्थ हाउस है ये नाइन्थ हाउस है एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए दोबारा ये नाइन्थ हाउस है नाइन्थ हाउस में सन जो है वो एक नंबर मतलब एरिस के अंदर था ऐसे ही मून भी नाइन्थ हाउस में एरिस के अंदर प्लेस आउट था एक नंबर पे ये मैंने आपको जनरल हॉरोस्कोप कास्ट करना बताया है आपका किसी भी नेटिव के लिए तो ये तीन चीजों से चेंज हो जाता है डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से जो है वो चेंज हो जाता है अभी के लिए ये बेसिक सा हमने सीखा है अभी आपको कोई भी बंदा बोलता है आपका सन कहाँ है और मान लीजिए ये आपका है तो आप बोलेंगे मेरा सन नाइन्थ हाउस में है एरिस में मून के साथ मतलब आप इस तरह से इसको बोलेंगे ओके कोई आपसे पूछता है आपका केतु कहाँ है तो आप बोलेंगे जी मेरा केतु फोर्थ हाउस के अंदर है स्कॉर्पियो के साइन के अंदर है ना और यही आप जो है सामने वाले को बोलेंगे कोई आपसे पूछता है कि आप कौन से असेंडेंट हो तो आप बोलेंगे मैं लियो असेंडेंट हूं क्योंकि आपका पांच नंबर फर्स्ट हाउस के अंदर पांच नंबर था तो इस हिसाब से जो है वो आप बोल सकते हैं ये बेसिक ही हमने कुंडली को कास्ट करना बताया आगे की बात हम जो है वो आगे करेंगे थैंक यू जुड़े रहिए बत्रा नमराल के साथ एंड पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए थैंक्स अलॉट थैंक यू